डोरेमोन स्टैचू लगा है कारगिल अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी का। उन बेचारा अनजान था कि इसका डस्टबिन बना दिया जाएगा। एंटर कर लिया है सौरभ वन विहार में। और ये कुछ फूल प्यारे प्यारे। और चलते हैं आगे। यहाँ पे छोटे छोटे बेड्स बनाए हैं फूलों के लिए काफी। और ये स्टेप मैप है यहाँ पे सौरभ वन विहार का। एंट्री गेट, टिकट विंडो, रिसेप्शन और बहुत कुछ है यहाँ पे। चलो चलते हैं आगे, करते हैं एक्सप्लोर। और काफी अच्छा व्यू है यहाँ का भी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो करते हैं एक्सप्लोर आगे। शायद मैं गलत तो नहीं आ गया हूँ, देखते हैं आगे चल के। बंद लग रहा है शायद। अभी टाइम तो हो चुका है भाई, 9:40 हो गए हैं, 10 बजने वाले हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है सौरभ वन विहार। चलो। और ये बेंचेस लगे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। एक्वेरियम भी है कहीं, एक्वेरियम पता नहीं कहाँ होगा। आगे काफी सही व्यू लग रहा है मेरे को, तो होपफुली कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा आगे। और ये शायद चिल्ड्रन पार्क है। चलो चलते हैं आगे। और ये टिकट हो चुका है, चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पे। चिल्ड्रन के लिए है हम कौन से बड़े हैं। और ये है भाई, कौन सा कार्टून। अच्छा डस्टबिन है भाई, क्या इनोवेटिव वे है भाई। और ये कुछ शहीद हमारे सौरभ कालिया जी। तो ये ऊपर स्टैचू लगा है कारगिल अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी का। और ये कुछ इनके बारे में बातें लिखी जिनको आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये कुछ बहुत ही सुंदर। और ये किसी ने यहाँ पे गंदगी फेंकी दी है आफ्टर इतना बोलने के बाद भी। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। ये कुछ हमारे फौजी भाई। और ये आगे चल पड़े हैं हम गज़ीबो सौरभ वन विहार चढ़ ही रहा है। और ये डोरेमोन बेचारा अनजान था कि इसका डस्टबिन बना दिया जाएगा। डोरेमोन डस्टबिन बना दिया। अरे भाई, तो डोरेमोन का बना दिया डस्टबिन भाई। डोरेमोन का कट गया है लव, वही समझ लो। और ये है यहाँ पे झूला। तो एक स्विंग तो बनता है पर मैं बैठ नहीं पाऊंगा, तो बैग उतारना पड़ेगा, बाद में बैठते हैं। और ये कुछ बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। मेरा भारत महान काफी है। सफाई भी काफी अच्छी है यहाँ पे। कोई मेरे को अभी तक खास कूड़ा नहीं दिखा है। और फिर से कुछ एडवेंचर
बच्चों के लिए ही है। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और आगे। ये वाला सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, अगर मेरे को कोई मिल जाता साथ में तो बोटिंग कर लेंगे सौरभन विहार में। काफी अच्छा है यहाँ पे भाई, काफी सुंदर है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट काफी सुंदर है। तो जब कभी पालमपुर आना तो यहाँ बोटिंग कर लेना सौरभन विहार में। बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल गया था टिकट, 20 रुपीज मांगे थे उन्होंने, 10 रुपये दे दिए मैंने, तो मतलब ना के बराबर कॉस्ट है यहाँ की। और वोटिंग का बोल रहे थे कि 100 रुपीज चार्जेस है, 2 सीटर है जो, तो देखते हैं अगर कोई मिलता है साथ में तो उसके साथ कर लेंगे वोटिंग, वरना सोलो तो मेरा मन भी नहीं है वैसे वोटिंग करने का, वोटिंग कर रखी है। और ये काफी, और यहाँ पे मेरे को क्रॉसिंग नहीं दिखाई दे रही है कहीं, तो मेरे को घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि व्यू काफी सुंदर है यहाँ का। और कुछ है नहीं अभी बताने के लिए, तो वहां बैठूंगा मैं बाहर थोड़ी देर, उधर सामने बेंचेस लगे जहाँ पे। बस यही है आज का, अभी इसके बाद धर्मशाला निकल जाऊंगा। तो वैसे 10 बजे थी इसकी ओपनिंग, पर मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ अंदर, तो इसलिए मेरे को शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे मेरी बात हुई जहाँ पे टिकट लिया मैंने, तो उन्होंने बताया कि 10 बजे खुलता है, तो ज़्यादा डीप नहीं है पर फिर भी अच्छा खासा है, साफ पानी है, मतलब नीचे सरफेस दिख जा रहा है इसका। और ये है वोटिंग के लिए, और यहाँ भी काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, पूरी टाइप ही है। और अब कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे बोट्स है, और ये है बोट्स डक वाली, रेड ग्रीन दो कलर अवेलेबल है बोट्स के। और ये शायद पैडल वाली बोट्स है, इनसे हम खुद पैडलिंग करके चलाएंगे इनको, और रोटेट करने के लिए हमारे पास हैंडल भी है। तो मैं इतना घूम के आया, अगर मैं वहाँ से उतर जाता तो डायरेक्ट पहुँच जाता, बट मेरे को पता नहीं था कुछ खास यहाँ का। और ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, और ये नीचे रहा पुल जहाँ पे स्विम करेंगे, मतलब बोटिंग करेंगे, स्विम नहीं करेंगे कुछ भी। तो चलो अभी यहाँ पे बैठते हैं नीचे, यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद चलेंगे, अगर आता है कोई तो कर लेंगे वोटिंग, वरना निकलते हैं अभी यहाँ से। हो तो चलो, अगर आगे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाते हैं आपको। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं आया है, और मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए अभी यहाँ से, काफ़ी सुंदर जगह थी, मज़ा आया। और कुछ ऐसा है कभी, अच्छी धूप थी, अगर बोटिंग हो जाती तो मज़ा आता, पर चलो सो फार सो गुड। तो पानी की बोतल ले ली है, मैं सोच रहा था भूल गई शायद। तो कुछ ऐसा व्यू है, चलो तो कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ अगर आगे कुछ मिलता है, और नहीं तो मिलेंगे अब तो धर्मशाला। कुछ ऐसा व्यू है, जाते जाते अच्छी जगह है,
मनाल रेस्टोरेंट ऊपर, और ये जो भाई स्नो हिल्स है ना ऊपर, ये भाई व्यू को मतलब 1000 times बेटर कर देती है। चलो चलो चलो, एक्वेरियम छूट गया था यहाँ पे, तो कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ आपको, काफी बड़ा एक्वेरियम है। हेलो 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 भाई साहब, बहुत सही है। और ये डरती ही नहीं, डरती ही नहीं है भाई, ऐसा लगता है जिंदा नहीं है। इसमें इसमें कुछ है ही नहीं। अरे भाई भाई भाई, ये देखो तुम, अलग ही लेवल की। और ये देखो भाई, ये कैसी फिश है भाई, लिटरली भाई भाई एकदम रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। और डिफरेंट काइंड, अच्छा ये इनकी कुछ नाम स्पीसीज वगैरह है, आई थिंक एनिमेलिया क्लास, ये हमें समझ नहीं आएगा, अल्बिनो शार्क, तो ये है अल्बिनो शार्क। हेलो, इसके ऊपर नहीं लगा, बहुत बड़ी है, काफी सुंदर है। हैं? क्या था है? भाई देखा आपने, फिर से करो, भाई मुंह खोल रहे, अरे ऐसे सब खोलती है ऐसे मुंह भाई, गजब। और इसमें है ये रोजी टेट्रा भाई, ये तो बहुत छोटी है। हेलो, और ये है विडो टेरा लाइन हेड, पत्थर खाने की कोशिश कर रही है, पर इनसे खाया नहीं जा रहा, कोशिश करते रहो एक दिन तुम खा ही लो। और ये है रेड टेल, फोकस क्यों नहीं आ रहा, रेड टेल कैटफिश। अरे भाई इनकी मूंछें तो देखो, ये भी है। और इसमें है हार्ट शेप पैरेट, हार्ट शेप्ड है, हाँ है, थोड़ी थोड़ी लग रही है हार्ट शेप। तो यहाँ का हो गया है डिस्कवर, तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, कितनी डरावनी लग रही है। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही यूज है, अरे है ये अकेली। हेलो, घर निकल गई ना भाई अभी, गोल्ड फिश, तो ये है गोल्ड फिश, नाम तो आपने सुना ही होगा। वो भाई सबसे ब्यूटीफुल है, ग्लैड्स देखो इनके खुल रहे हैं शायद। और ये साथ में भाई, ये तो मैं लिटरली बहुत प्यारी है। और ये है क्लाउन लोच, हाँ ये इनका नाम, रेनबो शार्क भी है। और ये है टाइगर ऑस्कर,
तो कुछ ऐसा था एक्वेरियम, ये छूट गया था। ये भी है कुछ मिल्की फिश, ये भी सुंदर है। और ये है लास्ट ग्रीन टेरर, चलो चलते हैं अब। आई थिंक यही था, काफी मजा आया। चलो वन विहार से मुझे यहाँ तक लिफ्ट मिल गई थी और अब यहाँ से देखते हैं आगे हिचाई को पाता है तो करेंगे, नहीं तो लास्ट ऑप्शन बस से जाएंगे। पहुँचना है आज, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, कल एक्सप्लोर करके वापस निकलना है। चलो चलते हैं। अभी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ धर्मशाला और जैसा व्यू है यहाँ का, पार्क जैसा कुछ है यहाँ पे और देखते हैं अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा करता हूँ कैमरा स्विच, दिखाता हूँ आपको कुछ व्यू। ऐसा व्यू है धर्मशाला का। आगे और देखते हैं कुछ अगर देखने मिलता है बढ़िया सी जगह। हम डीसी ऑफिस धर्मशाला के पास, तो कुछ ऐसा है, ये काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी सही है। चलो चलते हैं आगे। शाम के बज चुके हैं 3 और काफ़ी थक चुका हूँ, तो आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।